Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the sixth chapter from our book First Flight, the 100 Dresses Part 2, which is written by L. Bosser Esther. सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसका फर्स्ट चैप्टर, हमने फर्स्ट मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है द 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट की हमने समरी की थी, और इस सेशन के अंदर हम इसके पार्ट टू की द 100 ड्रेसेस पार्ट टू की समरी करने वाले हैं. सो अगर हम बात करें अपने प्रीवियस वीडियो की, लास्ट सेशन की, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, हमने हमारा जो मेन कैरेक्टर था वांडा पेट्रॉन्स्की के बारे में, जो कि एक पॉलिश गर्ल है, और उसे किस तरह से वो, क्योंकि अब वो अमेरिका में सेटल हुई है, तो उसके बाद किस तरह का क्रिटिसिज्म उसे झेलना पड़ता है, उसे कहना पड़ता है, और किस तरह से उसके जो स्कूल के बच्चे हैं वो कैसे उसे परेशान करते हैं, क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा वियर्ड है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन जो वहाँ के बच्चे हैं, उनसे उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए उसके नाम को लेके बहुत चढ़ाया जाता था उसको. और वो थोड़ी सी, क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसको जो पेगी और मैडी है, मैडी तो खैर उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, लेकिन वो आवाज़ भी नहीं अपनी उठाती थी, वो वॉइस रेज ही नहीं करती थी, क्योंकि वो डरती थी कि ऐसा ना हो कि अगर मैं इनको मना करूँ तो कल को इनका टारगेट मैं हूँ. सो हमने पढ़ा था कि अब जो है वहाँ पर उनके जो स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ था ड्रेसेस का, जिसमें वांडा पेट्रॉन्स्की को मेडल मिला था, लेकिन वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो क्योंकि स्कूल में एब्सेंट थी, तो वो मेडल जो है वो उसने जीता जरूर था, लेकिन अभी तक उसे वो मेडल मिला नहीं है. सो अब हम पढ़ते हैं आगे कि वो स्कूल आएंगी, अगर वो आएंगी तो क्या उन्हें मेडल मिलेगा, और आगे क्या होगा, क्या जो मैगी और पेडी हैं, क्या उन्हें उनकी गलती महसूस होगी, क्या उन्हें फील होगा कि वो लोग जो हैं वो वांडा के साथ में गलत कर रहे थे. सो स्टोरी स्टार्ट हुई ऐसे कि वांडा, क्योंकि अब उनका वो मेडल जीती है लेकिन वो स्कूल में एब्सेंट थी, तो उसके बाद में उनकी जो क्लास है वो सेम वैसे ही चल रही है जैसे यूजुअल उनकी क्लास चलती है. मिस मैसन जो है वो क्लास में है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे वांडा लेटर्स, सो उसी टाइम पर वांडाज फादर सेंट अ लेटर. सो वांडा के जो फादर हैं वो लेटर सेंड करते हैं, उनके स्कूल में एक लेटर आता है, मिस मैसन को बुलाया जाता है प्रिंसिपल रूम में, और प्रिंसिपल रूम में जब वो जाती हैं तो उन्हें वांडा का जो लेटर है जो उनके फादर ने दिया है वो उनको मिलता है, और वो लेटर पढ़ती हैं. वो जब अपनी क्लासरूम में आती हैं तो वो बच्चों को बोलती हैं कि अब आप अपनी अपनी सीट पर जाके आराम से बैठ जाओ, क्योंकि मुझे आपको कुछ पढ़ के सुनाना है. सो वो जो टीचर हैं वो पढ़ के सुनाती हैं बच्चों को, सब लोग उनकी बात सुन रहे होते हैं, तो वो बताती हैं कि जो लेटर है ये वांडा के फादर ने लिखा है, और उसमें लिखा है कि अब वांडा आज से स्कूल नहीं आएगी, अब हमने जो है किसी दूसरी मतलब एरिया में हमने उसका स्कूल में एडमिशन कराया है, जहाँ पे हमने अब एडमिशन कराया है वहाँ पे वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं वो वांडा का, क्योंकि नाम थोड़ा डिफरेंट है, वो इसलिए उसका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि उस स्कूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, सो वो उसका मजाक भी नहीं बनाएंगे. सो इस तरह का वो लेटर लिख के देते हैं कि अब से वांडा जो है वो स्कूल में नहीं आएगी. अब ये पढ़ने के बाद में जो मिस वहाँ पे जो बच्चे बैठे होते हैं वो एकदम चुप हो जाते हैं, और जो मैडी और मैगी होते हैं उनका रिएक्शन थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, क्योंकि मैगी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाती है सुन के, उसको बहुत बुरा लगता है मैडी को ये सुन के कि जो वांडा है वो हमारे कारण परेशान हो गई और उसने स्कूल ही छोड़ दिया. तो मैडी बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है, वो सोचती है कि मैंने चाहे उसे परेशान नहीं किया, लेकिन जब मुझे पता था कि पैगी जो है उसको बहुत परेशान कर रही है बाकी स्कूल के हमारी क्लास के रूम नंबर 13 के बच्चों के साथ मिलके, मैंने अपनी वॉइस को रेज नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं रोका. तो मैडी बहुत ज़्यादा जो है अंदर से परेशान है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है इस बात का, और वो सोचती है कि नहीं मुझे भी इस बात को ठीक करना है, और वो ये भी सोच के परेशान होती है कि क्या मुझे दोबारा वांडा से मिलने का मौका मिलेगा, क्या मुझे उसे सॉरी बोलने का मौका मिलेगा. तो वो ये देख रही होती है, उसके बाद वो सोचती है कि चलो मैं पैगी से बात कर दूँ, लेकिन पैगी अपना काम कर रही होती है वो स्कूल का, सो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है उसकी बात में, वो नहीं ध्यान देती है. फिर उसके बाद जो मैडी है वो सोचते है कि अब मैं जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी या फिर लंच टाइम के अंदर मैं पैगी से बात करूंगी, और उससे बात करूंगी कि हम लोग वांडा के बॉगिन हाइट्स जहाँ पर वो रहती थी उस एड्रेस पर जाकर देखेंगे कि वांडा वहाँ पर रहती है, और अगर रहती है तो हम उससे मिलकर आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कारण कोई लड़की वो स्कूल छोड़ दे.
और मेडी ये भी बोलती है कि मेरी गलती ये भी है कि चलो पैगी तो उसको तो पता नहीं था कि हम लोग मीन हो रहे हैं या फिर हम उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें महसूस हो रही थी, मैं फील कर पा रही थी कि वांडा को अच्छा नहीं लग रहा है और ये लोग जो हैं उसके साथ में बहुत बुरा कर रहे हैं, मुझे पता होने के बावजूद भी मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। सो ये चीज़ें जो हैं मेडी को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और वो सोच लेती है कि अब मैं पैगी को लेकर वहाँ जाऊँगी। लेकिन जैसे ही उनका मतलब लंच टाइम होता है, उसी टाइम पर मेडी के बोले बिना पैगी खुद से बोलती है कि यू नो व्हाट, हमें एक बार जाकर देखना चाहिए जहाँ पर वो रहती थी, बॉगिन हाइट्स पर जाके, एटलीस्ट वो हमारे कारण किसी बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। ऑल दो मेरी खुद की भी इतनी गलती नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही हमें बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो अगर तो इसीलिए सिर्फ ये सब हुआ, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं होता। विच शोज कि पैगी को उसकी गलती महसूस हो रही है, लेकिन वो खुद को जस्टिफाई भी कर रही है, वो फील कर पा रही है कि हाँ उसकी गलती है क्योंकि उसके कारण किसी ने स्कूल छोड़ दिया है, लेकिन वो वहीं खुद को जस्टिफाई भी कर रही है कि सिर्फ मेरी गलती इसलिए भी नहीं क्योंकि वो खुद ही बोलती थी कि उसकी 100 ड्रेसेस हैं। हो सकता है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हों, तो इसीलिए सिर्फ हम उससे इस तरह का मजाक करते थे, मुझे नहीं पता था कि वो स्कूल छोड़ के चली जाएगी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे ही स्कूल ओवर होगा उसके बाद वो शाम को जाकर बॉगिन हाइट्स पे जाएंगे और उसके बाद वो वहां जाके देखेंगे कि कहां पर रहती है वो, और उससे एक बार जाके मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन मेरी बहुत डरती है कि पता नहीं वहां पर वो रहती भी है कि नहीं रहती, ऐसा नहीं हो कि वहां से वो छोड़ के चली गई हो वो जगह, लेकिन फिर भी वो लोग शाम को वहां चले जाते हैं। अब जब वो वहाँ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर उनका वो घर देखते हैं, वो देखते हैं कि घर तो बहुत काफ़ी छोटा सा है लेकिन वो बहुत साफ़ सुथरा लग रहा होता है घर। यही देख के फिर मेडी को याद आता है कि हाँ चाहे वो जितनी मर्जी पुअर है लेकिन वो क्लीनलीनेस बहुत रखती थी, वो बहुत उसकी जो ड्रेस होती थी चाहे वो फेडेड थी लेकिन वो बिल्कुल साफ़ सुथरी ड्रेस होती थी उसकी, और ऐसे उसका घर भी कितना साफ़ है। लेकिन वो जाकर वहाँ देखते हैं, वो थोड़ा नॉक करते हैं गेट के ऊपर भी, जो डोर है उस पर भी, पर वहाँ पर उन्हें कोई मिलता नहीं है। वो पीछे जाकर भी देखते हैं, उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। सो अब क्या है, फिर मेडी और पैगी परेशान हो जाते हैं बिकॉज उनको उन्हें सब समझ आ जाता है कि वांडा तो अब यहाँ पर रहती ही नहीं है। वहीं वो लोग सोचते हैं कि अब हमें उसे सॉरी बोलने का मौका ही नहीं मिला, हम उसके सामने अपोलोजाइज ही नहीं कर पाए, हम उसे ये बता ही नहीं पाए कि हमारी गलती थी और हमें ये रियलाइज हो चुका है। अब वो स्कूल आते हैं तो जैसे मिस मेसन भी जब वो लेटर पढ़ के बता रही होती है तो वो कहती हैं कि आई होप कि मेरी क्लास में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, ये जो उनके फादर हैं वांडा के उन्होंने ये ऐसे ही कह दिया होगा एक मैसेज के तौर पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास में से किसी भी बच्चे ने उसको परेशान किया होगा। वो कहती हैं कि मुझे आप पर ट्रस्ट है, आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। लेकिन वहाँ के जो क्लास के बच्चे हैं उन सबको पता होता है कि वो सब कुछ हमने किया था और हम लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही उसके बाद वो दोनों जो हैं पैगी और मेडी सोच लेते हैं कि अब हमें उसके लिए एक लेटर लिखना चाहिए, हम उसको ऐसा भी लेटर नहीं लिखेंगे कि हम उस पर डायरेक्टली अपोलोजाइज करें, लेकिन हम उसे इनडायरेक्टली ज़रूर अपोलोजाइज करेंगे, हम उसे लिखकर उसे पूछेंगे उसका हालचाल। और वो लेटर लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि और मतलब वो फिर उसके बाद वांडा को लेटर लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि आप कैसे हो वांडा, और आपका नया स्कूल कैसा है, वहाँ पर बच्चे आपको कैसे लगे, वहाँ पर टीचर्स कैसे हैं, आपको वहाँ का माहौल कैसा लगा, इस तरह से वो क्वेश्चन करते हैं उससे। और उसके बाद में वो लेटर को, क्योंकि अब वांडा का उनके पास एड्रेस नहीं है, वो नहीं जानते कि वांडा कहाँ है, वो कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता उन्हें, वो उसके घर पे पास में जाके वो लेटर रख के आ जाते हैं और वहां पर लिख देते हैं प्लीज फॉरवर्ड इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनके पास एड्रेस नहीं है, तो कोई भी जो उनको जानता होगा वो लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देगा। सो जैसे ही उसके बाद कोई उनके पास रिप्लाई नहीं आता, फिर मेडी क्योंकि बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, वो बार बार यही सोचती है कि मैं चुप नहीं रहूँगी, अब आगे से मेरे साथ किसी के साथ में कुछ भी गलत होगा तो मैं अपनी वॉइस को रेस करूँगी, मैं कभी चुप नहीं रहूँगी और मैं हमेशा जो भी कोई मेरे सामने कुछ भी रॉन्ग कर रहा होगा, कुछ भी गलत कर रहा होगा या किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा होगा, नो मैटर वॉट, मैं हमेशा उसका सपोर्ट करूँगी और मैं हमेशा उसके साथ वहाँ खड़ी रहूँगी, मैं उसका हमेशा स्टैंड लूँगी। अब क्या होता है, वहाँ पे उनके पास कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो लोग सोच लेते हैं, पैकी कहती है कि अब मेरे को हमें लगता नहीं है कि वो हमें माफ़ करेगी, हमसे बात करना चाहेगी क्योंकि उसने हमें कोई रिप्लाई नहीं किया। तो वो लोग कहते हैं और रिप्लाई वो करेगी भी क्यों, क्योंकि हमने उसे परेशान इतना किया था, ऑब्वियस सी बात है अगर मैं भी होती तो मैं भी ऐसे बात नहीं करती किसी से, क्योंकि हमने उसे बहुत परेशान किया था, हमने उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था। सो इस तरह से वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में फिर मिस मेसन क्लास में आती हैं और वो एक लेटर लेकर आती हैं अपने हाथ में, जो कि गुड न्यूज़ होती है उन दोनों के लिए भी और पूरी क्लास के लिए। वो गुड न्यूज़ ये होती है कि वो लेटर एक्चुअली में वांडा का होता है, वांडा ने वो लेटर लिखा होता है अपनी
अपनी क्लास के लिए, मैगी के लिए, पैगी के लिए वो लेटर वो लिखती हैं और उसके बाद वो पूरी क्लास को लेटर जो वो है मिस मेसन पढ़ के सुनाती हैं। सो वांडा लिखती है, वो मैडी से उसका हालचाल पूछती हैं, पैगी से पूछते हैं कि आप लोग सब कैसे हैं, पूरी क्लास को वो ग्रीट करती है, पूछती है हाउ आर यू। देन उसके बाद वो लिखती हैं उसके अंदर कि मैंने पढ़ा, मुझे एक मेडल मिला है वो 100 ड्रेसेस के लिए। तो फिर वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वो ड्रेसेस मैंने डिज़ाइन की थी, जो मेरी पेंटिंग्स है जो मैंने डिज़ाइन की थी वो मेरे पूरी क्लास में, रूम नंबर 13 जो है उनकी क्लास है उसमें सब बच्चों को वो दे दी जाए। और वो कहती है कि उसमें से जो ग्रीन वाली ड्रेस है वो पैगी को दे दी जाए, मतलब वो जो ग्रीन वाली ड्रेस की पेंटिंग है वो पैगी को दे दी जाए और जो मेरी ब्लू वाली ड्रेस की पेंटिंग है वो मैडी को दे दी जाए। और उसके बाद वो ये भी लिखती है, कहती है कि जो मेरी जो स्कूल की टीचर है वो एज़ कम्पेयर टू मिस मेसन, क्योंकि मिस मेसन तो बहुत ही अच्छी टीचर हैं, वो बहुत ही सपोर्टिव टीचर हैं, तो मेरी यहाँ की टीचर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा याद भी आती है, मुझे मेरी क्लास की याद आती है, मुझे टीचर की भी बहुत ज़्यादा याद आती है। अब मिस मेसन भी बहुत खुश होती हैं क्योंकि एटलीस्ट उनके पास अब वांडा का एड्रेस है, क्योंकि वो अब आगे उससे कनेक्ट कर सकते हैं, लेटर्स के थ्रू वो उससे बात कर सकते हैं। अब जब ये लेटर पढ़ते हैं तो मैडी है और जो पैगी है वो बहुत खुश होते हैं लेटर सुन के, वो जब जिस तरह से मिस मेसन बता रही होती है, क्योंकि अब उन्हें फील हो रहा है कि जो वांडा है वो उसका दिल कितना बड़ा है, क्योंकि उसने हमें माफ़ कर दिया है। इनडायरेक्टली वो भी समझ गई है कि हम उससे माफ़ी मांग रहे थे, उसने इस बात का जिक्र भी नहीं किया और उसने हमें माफ़ भी कर दिया। जैसे वो लेटर सुन पढ़ लेते हैं, लेकिन मैडी क्योंकि अब वो एक बार अभी भी उसका थोड़ा सा गिल्ट है कि उस टाइम पे उसने कुछ नहीं किया जिस टाइम पे उसे कुछ करना चाहिए था वांडा के लिए, तो वो घर जाती है, वो लेटर वो जो पेंटिंग है उसको वो अपने घर पे लगा देती हैं। और जब वो जहाँ पे उसने पेंटिंग लगाई होती है वॉल पे, तो जब भी वो उस पेंटिंग को देखती है तो उसे हमेशा बार बार वांडा की याद ही आती है। अब जब वो पेंटिंग को एक बार बहुत ध्यान से देख रही होती है तो वो देखती है कि पेंटिंग में तो मैं ही, मुझे अपना रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, तो वो नोटिस करती है कि इस पेंटिंग में तो वांडा ने मेरी ही पिक्चर बनाई है, मुझे ही डिज़ाइन किया है। सो वो ये देख के बहुत खुश होती है, उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो ये बात लेकर पैगी के पास जाती है मैडी, और वो पैगी को भी बोलती है, वो उसकी पेंटिंग भी देखती है और उसको भी बताती है कि पैगी तुम देखो उस जो वांडा है उसने तुम्हें ही डिज़ाइन किया है इस पेंटिंग में, तुम इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखो। और जब वो दोनों देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो उसके बाद सोचते हैं कि आई एम श्योर कि उसके पास 100 ड्रेसेस ज़रूर होंगी और उसका घर भी बहुत ही अच्छा होगा। इस बात को कहने का मतलब ये था कि आई हो सकता है कि उसके पास 100 ड्रेसेस रियलिटी में नहीं हो, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में उसके पास 100 ड्रेसेस ज़रूर हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव हैं और आगे चलकर, अभी उसके पास अगर 100 ड्रेसेस और 60 शूज़ नहीं है तो आगे चलकर, क्योंकि वो बहुत इमेजिनेटिव है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो आगे चल के ज़रूर उसके पास 100 ड्रेसेस और 60 शूज़ होंगे। और यहीं पे जो हमारी स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि जो एल बॉसर एस्टर है, इन्होंने ये स्टोरी गिल्ट में लिखी थी। अब गिल्ट में इसीलिए लिखी थी उन्होंने क्योंकि वो अपने आप को मैडी की जगह पर देख रही थी, वो देख पा रही थी कि जो मैडी है, जैसे उसने भी, उसे पता था कि वांडा के साथ में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो कभी भी अपनी वॉइस रेज नहीं कर पाई। तो जो ऑथर है उन्होंने अपने आप को मैडी की जगह पे रखा है और वो ये सिंबलाइज करने की कोशिश कर रही है कि जिस टाइम पे वो स्कूल में थी, हो सकता है उनके सामने भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था बच्चों के साथ में, या फिर उनके सामने जो भी कुछ उस टाइम पर हुआ था, तो उनको इस बात का गिल्ट है कि वो कभी भी उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन बाद में उन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया, जैसे मैडी ने रेजोल्यूशन लिया है कि अब आगे से वो जब भी उसके सामने कुछ गलत होगा तो वो हमेशा उसके खिलाफ बोलेंगी, उसके अगेंस्ट खड़ी रहेंगी और स्टैंड लेंगी, हमेशा सबका सपोर्ट करेंगी जिनके साथ में भी गलत होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी स्टोरी एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऑल्सो विच एवर द पॉइंट्स आई हैव क्लियर्ड हेयर आर वेल डिस्कस्ड इन आर DNA गाइड्स। सो फॉर मोर अपडेशन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन लॉग इन टू आर वेबसाइट www.dnaeducation.com. Please like and subscribe our channel. Thank you so much.